नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। और आज बोल में हम इन तीन मुद्दों की बात करने वाले हैं। मुद्दा नंबर एक, बाबा रामदेव अब मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने ये कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज को खदेड़ के रहेंगे भारत के बाहर। बाबा का यू टर्न आसन। मुद्दा नंबर दो, शबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया, बदलाव किया। अब उन्होंने इस मामले को एक बड़ी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। आज जो हम सवाल पूछने वाले हैं कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि आज से ठीक एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या शबरीमाला का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर निहायत ही उग्र बयान दे रही थी। और मुद्दा नंबर तीन, आज बाल दिवस है। कायदे से तो हर दिन बाल दिवस होना चाहिए, मगर हमारे बच्चे जहर अपनी सांसों में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है जलवायु परिवर्तन पर, वो भारत के बच्चों के लिए निहायत ही चिंताजनक है। और उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे बाबा रामदेव के साथ। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और बाबा रामदेव का यू टर्न आसन, वो बाबा रामदेव जिनके पतंजलि के विज्ञापन हर न्यूज चैनल पर हैं, लिहाजा मजाल है कि इनके खिलाफ कोई खबर चले जाए। इनसे कोई पत्रकार अगर उग्र होकर सवाल पूछ भी ले तो उस पत्रकार की खैर नहीं। मगर मैं आज आपके सामने क्यों जुड़ रहा हूं दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि इनका यू टर्न आसन, क्योंकि आज से एक डेढ़ दो साल पहले इन्होंने कहा था कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत को लूट दे रही हैं या लूट रही हैं, और मैं उन्हें मोक्ष देकर रहूंगा, यानी कि मैं उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये स्वदेशी की ताकत है बकौल रामदेव। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस योग गुरु ने, और मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक, बहुत बड़ा फैन रहा हूं, इस योग गुरु ने किस तरह से गोल पोस्ट बार बार बदले, वो क्या थे और क्या हो गए। योग गुरु रामदेव थे, फिर लोगों ने इन्हें स्वामी रामदेव बना दिया, उसके बाद ये बीजेपी के समर्थक बन गए, उसके बाद वो लाला रामदेव बन गए, और लाला रामदेव होते होते वो चाटुगार बाबा रामदेव भी बन गए। मैं आपको इस बात पर गौर करना चाहूंगा कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ रामदेव हाथ मिलाने को तैयार हैं। उनके जो आचार्य बालकृष्णन हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि 3-4 वैश्विक कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए अपनी रुचि दिखाई है। बालकृष्ण ने कहा कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने के खिलाफ नहीं है। बालकृष्ण ने कहा कि हमने अभी किसी भी एमएनसी को मना नहीं किया है, हम उनके ऑफर्स का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पतंजलि को अप्रोच करने वाली किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम उजागर करने से मना कर दिया। आप जानते होंगे कि जो फ्रेंच कंपनी है, लग्जरी ब्रांड LMVH, उसने पतंजलि में इक्विटी खरीदने का मन जतलाया था। लुई विटों जो है वो पतंजलि में इक्विटी खरीदने का मन जता रही थी। ये वही पतंजलि है ना जो लगातार स्वदेशी 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 कहकर आपके अंदर जो स्वदेशी बैठा हुआ है, आपके अंदर जो राष्ट्रभक्त बैठा हुआ है, उसे कहां से कहां ले गई, उसे उसने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। अब वो एमएनसी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। हां, ये कह रहे हैं वो एमएनसी जो हमारी राय, हमारे विचारों से मेल खाते हों। ये फैसला कौन करेगा रामदेव जी? मगर यह समझने से पहले, आखिर यह फैसला क्यों कर रहे हैं रामदेव, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि कई मुश्किलों का सामना कर रही है। तो आपके स्क्रीन्स पर रामदेव और उनकी बिजनेस मुश्किलें। मुद्दा नंबर एक, GST से नुकसान। बालकृष्ण का कहना है कि 2 साल पहले लागू हुए GST के कारण पतंजलि को नुकसान हुआ है। बालकृष्ण का कहना है कि GST के कारण कंपनी ट्रेड, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई है, जिसका नुकसान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम वापसी करेंगे और उसके परिणाम तिमाही नतीजों में दिखना शुरू हो गया है।
यही नहीं, आपको याद होगा कि साल 2017 में 10,000 करोड़ का राजस्व पतंजलि ब्रांड ने कमाया था। 2019 में आते आते, वित्तीय वर्ष 2019 में आते आते ये 8,135 करोड़ हो गया, यानी कि पहले जीएसटी से नुकसान, उसके बाद राजस्व में कमी। और यही नहीं दोस्तों, गौर कीजिए इस संस्था पर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये जो डीजीएपी है दोस्तों, वो एफएमसीजी और अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। जांच किस बात का कि जो जीएसटी कम किया गया है, क्या उस फायदे को आपने अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। अब डीजीएपी क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। पतंजलि पर आरोप है कि अगस्त 2018 में कई एफएमसीजी उत्पादों पर उन्होंने 176 करोड़ की कमाई की थी, जिसे उन्होंने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। अब डीजीएपी यह भी कह रहा है कि जांच हम न सिर्फ अगस्त 2018 की करेंगे पतंजलि की, बल्कि इस जांच के दायरे को हम बढ़ाएंगे मार्च 2019 तक। तो ये वो तमाम मुश्किलें हैं दोस्तों जो इस वक्त पतंजलि के सामने हैं, और यही वजह है कि बाबा रामदेव ने यू टर्न लिया है। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ये वो बाबा रामदेव हैं जिन्होंने इन मुद्दों पर आपके दिल में घर बनाया। पहला, हिंदू राष्ट्रवाद। दूसरा, बीजेपी की फुल ऑन चाटुकारिता। तीसरा, काले धन। याद है आपको, रामलीला मैदान में काले धन के मुद्दे पर इन्होंने एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगाया था, और फिर देर रात महिलाओं के वस्त्र पहन के उनको भागना पड़ा था। काले धन की बात की थी इन्होंने। और चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन। ये तमाम चीजों के होते हुए दोस्तों उनकी, जिसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में थी। मैं काले धन की बात करना चाहूंगा दोस्तों। काले धन को लेकर इन्होंने एक लंबा चौड़ा आंदोलन किया। जिस रात को ये रामलीला मैदान से भागे थे, मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से था साल 2011-12 में जिन्होंने रामदेव का समर्थन किया था। और अब कई दिनों बाद जब मैंने काला धन पर उनसे सवाल पूछा था एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में, मैंने उनसे कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन दिया था काले धन के ऊपर कि मोदी सरकार काला धन लेकर आएगी। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और खुद बाबा रामदेव कह रहे थे कि ये स्लो मोशन में चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी को आपका समर्थन जारी रहेगा? बोलती बंद, कुछ नहीं बोल पाए रामदेव। आप भी सुनिए। आपने कहा था कि विदेशों से काला धन, अगर ये विदेशों से काला धन 2019 तक नहीं दिखाई आया और सरकार ऐसे ही आपके शब्दों में साइलेंट मोड में दिखाई दी, तो क्या आप 2019 के चुनावों में बीजेपी का वैचारिक विरोध करेंगे? और ये सवाल है नगेंद्र यादव का। अर्ली हो गया सवाल। अब जैसे किसी की कोख में कोई बच्चा पनप रहा हो और कोई कहे कि इसका नाम श्रेया रखोगे, आदित्य रखोगे, अरे भाई पहले पैदा तो होने दो। नहीं, मैं ये सवाल 2019 आने दो, मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, मगर ये वैचारिक सवाल है क्योंकि आपका अस्तित्व ब्लैक मनी को लेकर इसी मुद्दे पर आधारित है, और अगर आप नगेंद्र के सवाल से बच रहे हैं तो। नहीं, मैं किसी से बचता नहीं हूँ साहब। तो बताइए, अगर वो नहीं हुआ और सरकार इसी तरह से साइलेंट मोड पर रही रामदेव जी, तो क्या आप बीजेपी का विरोध करेंगे? 2019 में उत्तर देंगे। 2019 में यही नहीं दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। मीडिया को कैसे गोदी में लिया जाता है, इसकी आदर्श मिसाल है बाबा रामदेव। जी हां, इनके विज्ञापन तो तमाम न्यूज चैनल्स में चलते ही हैं, तो जाहिर सी बात है इन पर सवाल कौन करेगा। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं। इसमें आप देखिए किस तरह से जीन्स पहनने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं बाबा रामदेव। कह रहे हैं कि जीन्स पहनना कितना गलत है, घातक है, और उसके बाद ये खुद ही एक संस्कारी जीन्स लेकर आ जाते हैं। सुनिए। जीन्स पहनेंगे, भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतने टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता
का ध्यान रखा। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि रामदेव लगातार लगातार अपने गोल पोस्ट बदलते रहे, अपने पैमाने बदलते रहे, वो कहां थे और कहां आ गए। जी हां, स्वदेशी स्वदेशी का राग जपते रहे और अब वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। यही वजह है कि मैंने कहा रामदेव का यू टर्न आसन। बोल के लब आजाद है तेरे में, अब बारी है शबरीमला के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आज से करीब कुछ महीनों पहले शबरीमला पर मेजॉरिटी से 4-1 के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 10 साल से 50 साल के बीच जो औरतें हैं जिनके शबरीमला में जाने पर रोक थी, क्योंकि औरतें मेंस्ट्रुएट करती हैं, पीरियड्स होते हैं उनके, लिहाजा उनके जाने पर रोक थी शबरीमला पर, इसे पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका कई महिला संगठनों ने स्वागत किया था। मैंने भी उसे स्वागत किया था और कई लोगों ने इसका स्वागत किया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 कदम पीछे जाकर अब इसे लार्जर बेंच में के सुपुर्द कर दिया है। एक अजीबोगरीब इत्तेफाक सामने उभर कर आ रहा है दोस्तों। आप जानते हैं कि राम मंदिर पर भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2-3 चीजें थी जो फैसले से मेल नहीं खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा था कि 1947 में जो रामलला के जो आइडल्स लगाए गए थे वो मस्जिद का डेसेक्रेशन था, उसका अपमान था। फिर वो ये भी कह रहे थे कि मस्जिद को जो गिराया गया था वो कानून के खिलाफ था। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के नीचे जो धार्मिक स्ट्रक्चर है इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वो राम मंदिर था, और उन्होंने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला दिया। बावजूद इसके राम मंदिर पर क्या फैसला आया आप सब जानते हैं, स्वागत योग्य कदम। मगर आज से ठीक 1 साल पहले दोस्तों मैंने एक कार्यक्रम किया था न्यूज चक्र में, मैं चाहता हूं आप उसे देखें। आज 14 नवंबर है ना, इत्तेफाकन वो कार्यक्रम मैंने 13 नवंबर को आज से ठीक 1 साल पहले किया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पर, चाहे शबरीमला का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, किस तरह से दबाव बनाते हैं और धमकाते हैं। सुनिए, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अयोध्या राम मंदिर पर एक फैसला सुनाया है जिसमें अब सुनवाई जनवरी को होगी, बेंच भी जनवरी को ही तय की जाएगी। मगर तुरंत हुआ क्या? तुरंत हुआ ये कि बीजेपी के जो दूसरे श्रेणी के नेता थे उन्होंने अचानक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उग्र बयान देने शुरू कर दिए। मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता। श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई का टलना ये अच्छा संदेश नहीं है। ये कहा जाने लगा कि हिंदुओं के की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या राम माधव, क्या गिरिराज सिंह, क्या केशव प्रसाद मौर्य, सब ने सुप्रीम कोर्ट पर मानो हमला शुरू कर दिया। और इस सब के पीछे 2 भावनाएं, एक तरफ डर, दूसरी तरफ हिंदू को पीड़ित बताना, यानी कि फियर एंड विक्टिमहुड। जब इन 2 चीजों का मेल हो जाए तो इससे जबरदस्त कॉकटेल कुछ नहीं हो सकता। और बीजेपी का जो राम बाण है उसमें जो पहला चरण है वो है डर और विक्टिमहुड, हिंदुओं में डर पैदा करना और उन्हें पीड़ित बताना, और इसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर भी कहीं ना कहीं हमला करना। क्योंकि देखिए, सिर्फ राम मंदिर को लेकर हमला नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि सबरीमला को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक बयान आया था कि कोर्ट्स ऐसा फैसला ना करें जिसे लागू ना किया जा सके और जिससे जनता की भावनाएं आहत हों। जिस प्रकार से भगवान अय्यप्पा के अस्तालुओं पर, इनके भक्तों पर दमन का कुचक्र चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के अस्तावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे। ये बात अलग है कि ये नेता आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली पर भी फैसला सुनाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर भी फैसला सुनाया था। तब तो आपने तालियां बजाई थी, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से धर्म और धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा था।
तो आपने देखा कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उबाल पैदा किया जाए। मैं इसके जरिए कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से आजाद है, सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, मगर जब सत्ताधारी पक्ष के नेता इस तरह के बयान देंगे ना, तो लोगों के जहन में जाहिर सी बात है कई शको शुबा पैदा होंगे, क्योंकि आप और हम तो इंसान हैं, आप और हम संस्कारी बीजेपी के नेता तो हैं नहीं, आप और हम ईश्वर तो हैं नहीं। अब जब इस तरह के फैसले आएंगे और इस तरह के दबाव बीजेपी के नेता उन पर बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे जहन में कई डाउट्स पैदा होंगे। बोल के लब आजाद है तेरे में, अब लैंसेट की वो रिपोर्ट जो हमारे बच्चों के लिए, भारत में पल रहे हमारे बच्चों के लिए घातक साबित हो रही है। लैंसेट की रिपोर्ट यह कहती है कि अगर युद्ध स्तर पर कुछ ना किया गया तो हमारी भविष्य की पीढ़ियां और जो इस वक्त हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो जहर जीने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंसेट फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट में क्या कहा है, 2019 के मुताबिक जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा दुनिया में नवजात शिशु इसका सबसे बड़े शिकार होंगे, क्लाइमेट चेंज से लगातार बढ़ रही खाद्य असुरक्षा और महंगे होते अनाज के कारण छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में 1960 के बाद से लगातार अनाज का उत्पादन प्रभावित होता गया और भारत में भी मक्का और चावल की पैदावार 2% घटी है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली ज्यादातर बीमारियां और उनकी 2/3 मौतों के लिए कुपोषण जिम्मेदार है। दोस्तों, भारत की निगाह से कई मुद्दे चिंताजनक हैं। कुपोषण से अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, जो खासकर भारत के लिए चिंताजनक बात है, वो ये कि जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों के ऊपर संक्रामक बीमारियों के सबसे अधिक हमले होंगे, क्योंकि इसकी वजह से पानी में पैदा होने और पनपने वाले जीवाणुओं के लिए आदर्श परिस्थितियां बनेंगी। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप पे भारत की स्थिति देखें तो भारत की एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ पहाड़ हैं और 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। बे ऑफ बंगाल भी है, इंडियन ओशन भी है और अरेबियन ओशन भी है। इस वजह से हमारी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो बहुत ही अजीब और गरीब हो जाती है। और मैं अब आपको एक चीज बताने वाला हूं, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत पर क्लाइमेट चेंज का खतरा कई अन्य देशों से वैसे भी अधिक है। 2017 में हुए एक अध्ययन में भारत को क्लाइमेट चेंज के खतरे के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे अधिक संकटग्रस्त देश बताया गया था। इसी साल जनवरी में HSBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 67 देशों में भारत की इकोनॉमी को जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा खतरा है। भारत की इकोनॉमी को, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने बच्चों के सामने बात कही थी कि सर्दी नहीं बढ़ रही है, जलवायु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम बदल रहे हैं। और यह बात उन्होंने बच्चों के सामने की थी जब साथ में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बैठी हुई थी, उनका वो बयान याद है आपको, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। और ये कहा जा रहा है कि अगर हालत बद से बदतर हो गए तो न सिर्फ हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बल्कि हमारी इकोनॉमी पर भी, यानी कि एक बहुत ही प्रलयंकारी मंजर देश के सामने। अगर आपको देश के बच्चों की चिंता नहीं है तो कम से कम देश की अर्थव्यवस्था की तो चिंता कीजिए। खैर, बोल के लब आजाद है मैं तेरे में, हम तो इसी तरह के मुद्दे आपके सामने लाते रहे और यही वजह है कि आज इन 3 मुद्दों के साथ मैं आपके सामने था। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।